नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश चंचल। मैं हूं आपके साथ महेश जैन। हमारी खबरें लगातार पाने के लिए आज ही यूट्यूब से सब्सक्राइब करें और प्ले स्टोर से डाउनलोड करें प्रदेश चंचल। नीमच जिले के महागढ़ में दलित परिवार के साथ छुआछूत करते हुए गांव के ही ठाकुर समाज के व्यक्ति द्वारा अपमानित करने का मामला सामने आया, जिसके बाद मनासा पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर एट्रोसिटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। वहीं दलित परिवार ने एसपी कार्यालय पहुंचकर गांव के दबंगों द्वारा उनका हुक्का पानी बंद करने के आरोप लगाए, जिसके बाद बीते कल ठाकुर परिवार सहित सर्व समाज जन भी एसपी कार्यालय पहुंचे और इन आरोपों को एक सिरे से झूठे बताया। वहीं आज दलित परिवार के पक्ष में आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने से वाल्मीकि समाज लामबदोकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचा और कलेक्टर के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपते हुए मांग की कि दलित परिवार के साथ जाति करने वाले आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। ये महागढ़ में हमारे समाज के कुछ साथियों के ऊपर जो है वहाँ के दबंगों द्वारा जो छुआछूत की घटना की गई है और उनको जातिगत शब्दों से जो है संबोधित किया गया है, उसके विरोध में हम जो है और उनके साथ में मारपीट भी की गई है वहाँ के रहवासियों के साथ में, तो हम उसका विरोध प्रदर्शन करने के लिए और आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए जो है यहाँ पे समाज के लोग एकत्रित हुए हैं। और अगर प्रशासनिक अधिकारियों को धारा की जानकारी नहीं है तो हम स्पष्ट रूप से बता दें कि भारतीय संविधान की धारा 10(3) के अंतर्गत SC ST एक्ट में तुरंत गिरफ्तारी की जानी है और आरोपी को जो है अपने पुलिस अपने संरक्षण में ले और उनसे इसकी जांच करें, इसीलिए हम यहाँ एकत्रित इसका विरोध करते हैं।